आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। सबसे पहले गाजर को लेके अच्छे से धो के उसको छूर लें इस तरह। एक कढ़ाई लें, उसमें घी डालें देसी, जितना डालना चाहे इतना डाल सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैं इसमें डालने वाली हूँ। घी गरम होने पे डाल दें इसमें गाजर। बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालने वाली हूँ मैं, मिला के और ढक के पकाने वाली हूँ मैं इसको। बीच बीच में चेक करना है कि जल ना जाए नीचे से। जब पक जाएगा तो इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं थोड़ी लाइट रख रही हूँ। फिर अच्छे से मिला लें इसको, 1-2 मिनट पकाएं और फिर उसमें डाल दीजिए जो हमने तैयार किया है। ये है मावा, जिसको खोया बोलते हैं, उसमें है ड्राई फ्रूट्स। और फिर इस तरह कढ़ाई में इकट्ठा करके और उसके ऊपर डाल दें जो हमने तैयार किया हुआ है मावा और ड्राई फ्रूट्स। ये सब डालने के बाद 2 मिनट इसको ढक के रख दें गैस बंद करके। ये सब तब डालना जब गैस बंद कर लेंगे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद खोल के देखना, ये इतना सुंदर दिखेगा कुछ इस तरह। और फिर आप इसको सर्व करके खा सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।